आप सभी को पता होगा खो खो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट प्लेड इन इंडिया लाइक कबड्डी एंड इट इज़ ऑल्सो सेड इसकी जो स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स है डेट इज़ ड्राइव फ्रॉम महाभारत फ्रॉम द चक्रव्यूह दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द्रोणाचार्य जी। इसकी स्पीड और एजिलिटी के कारण ये काफ़ी लोगों को पसंद आया है एंड अभी ऑलमोस्ट 25 कंट्रियों में खेला जाता है। हमारी कंट्री इसमें एशिया चैंपियन और साउथ एशियन गेम चैंपियन है अभी और इसके ही एक खिलाड़ी को इस साल अर्जुन अवार्ड भी मिला है। कभी बचपन में हमने सोचा नहीं था जब मैं खेलता था हम लोग खेलते होंगे कि एक इंटरनेशनल इवेंट भी है या होगा या इसमें करियर ऑप्शन भी होगा, बट अभी एक करियर ऑप्शन भी है, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी है थ्रू स्पोर्ट्स कोटा एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नरेंद्र मोदी जी एंड आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिसके कारण हमारे जो इंडियन स्पोर्ट्स है उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है और उनको आगे लाया गया है। जैसे अभी कबड्डी की लीग होती है, इसकी भी लीग होने वाली थी बट बिकॉज ऑफ कोविड वो नहीं हो पाई, बट आई विश जब भी हो जैसे कबड्डी को सपोर्ट किया है ऐसे ही खो खो को भी सपोर्ट किया जाए और आने वाले टाइम में एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए और डेफिनेटली हमारे जो कंट्री के एथलीट्स है वो डेफिनेटली इसमें मेडल लेके आएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।